गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर ईवीएस क्लास। आज हम ईवीएस का चैप्टर फोर्थ स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन यानी मनोरंजन। हम जब कभी एक काम से करते करते थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं उससे, तो हमें कुछ एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, हमें मनोरंजन के लिए कुछ साधन चाहिए। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं के बारे में लर्न करेंगे। When we work or study hard, we need rest। जब हम कुछ वर्क कर लेते हैं और कुछ पढ़ाई कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है, तब हमें थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत होती है। We also need to have fun। This is called recreation। और हम जब वर्क कर लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें मनोरंजन के लिए कुछ चाहिए। हम वो सोचते हैं कि अब दूसरा कुछ कार्य किया जाए। तो इसी फन को हम, जो हम खेलते कूदते हैं या एंटरटेनमेंट करते हैं, वो रिक्रिएशन कहलाता है, मनोरंजन कहलाता है। सम पीपल लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स, सम गो फॉर मूवीज़। कुछ लोग तो वर्क करने के बाद स्टोरी बुक्स रीड करते हैं, पढ़ते हैं। कुछ पीपल मूवी देखने जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, ताकि उनका मनोरंजन हो जाए। चिल्ड्रन लाइक टू वॉच सर्कस शो, पपेट शो, कार्टून्स एक्सेट्रा। यानी जो बच्चे हैं, उनको सर्कस अच्छा लगता है कि वहाँ सर्कस देखने जाते हैं। पपेट शो, जो पपेट यानी कठपुतली, उसका शो देखना पसंद करते हैं। और कार्टून्स, टीवी में जो कार्टून आते हैं, वो देखना उनको अच्छा लगता है। जब वो काफ़ी देर तक पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद में उनको मनोरंजन के लिए ये सब अच्छा लगता है। सम पीपल इन्जॉय लिसनिंग टू म्यूज़िक और प्ले सम गेम्स। कुछ लोगों को म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, और किसी को गेम्स खेलना भी अच्छा लगता है। यानी अलग अलग लोगों की अलग अलग चॉइस होती है कि हमने अब आज बहुत वर्क कर लिया है, तो आज हम मूवी देखने जाएंगे। कोई सोचता है कि चलो अब थोड़ी देर रेस्ट करना है, तो हम लोग म्यूज़िक सुनेंगे। कोई बच्चे होते हैं, वो बाहर गेम खेलने जाते हैं। कुछ बच्चे कार्टून देखते हैं, टीवी देखते हैं। इस तरह वो सब अलग अलग तरीके से अपना मनोरंजन करते हैं। वॉट डू यू डू वैन यू फिनिश योर होमवर्क, टिक एज मैनी यू वॉन्ट टू। यानी ये क्वेश्चन आया है इधर आपके लिए कि जब आप अपना वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, अपना वर्क पूरा कर लेते हैं, उसके बाद में आपको क्या क्या एक्टिविटी करनी अच्छी लगती है, आप क्या करते हैं? तो रीड बुक, वॉच टीवी, प्ले इन योर रूम, गो आउट टू प्ले, लिसन टू म्यूजिक, ड्रॉ, पेंट और सिंग, मेक लाफ। यानी या तो आप स्टोरी पढ़ते हैं, या कोई बुक पढ़ते हैं अपना वर्क होने के बाद, टीवी देखते हैं, रूम में ही खेलते हैं, या बाहर जाते हैं खेलने के लिए, म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, या ड्राइंग, पेंटिंग या सिंगिंग पसंद करते हैं, या फिर थोड़ी देर ऐसे ही हंसी मजाक करते हैं। तो इनमें से आपको जो अच्छा लगे उस पर आप टिक लगा सकते हैं। मैंने 2-3 पर ही टिक लगाया है। इसके अलावा आपको और कुछ अच्छा लगता है तो उस पर आप टिक कर सकते हैं। अब आता है गेम्स एंड एक्सरसाइज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गेम्स। यानी अब जब कुछ लोग गेम्स खेलते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो इसमें गेम्स के बारे में बताया गया है कि गेम्स दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है इंडोर गेम्स, और सेकंड होता है आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स यानी हम घर के अंदर जो गेम्स खेलते हैं, उनको इंडोर गेम्स कहते हैं। आउटडोर यानी जो प्लेग्राउंड में खेले जाते हैं गेम्स, उनको हम आउटडोर गेम्स कहते हैं। द गेम विच वी प्ले इनसाइड द हाउस और बिल्डिंग आर नोन एज इंडोर गेम्स। यानी जो गेम हम घर के अंदर और बिल्डिंग में खेल सकते हैं, उनको हम इंडोर गेम कहते हैं। जैसे कि कैरम, लूडो, चेस आर द इंडोर गेम्स। यानी कैरम, लूडो, चेस, ये सभी इंडोर गेम्स होते हैं।
विच इंडोर गेम डू यू लाइक मोस्ट, यानी आपको सबसे अच्छा इंडोर गेम कौन सा पसंद है। तो यहाँ मैंने दो नाम लिखे हैं, कैरम और लूडो। अगर आपको चेस पसंद हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। द गेम विच वी प्ले आउटसाइड इन द फील्ड आर नॉन आउटडोर गेम्स, यानी जो गेम हम प्ले फील्ड में खेलते हैं, ग्राउंड में जो हम गेम खेलते हैं और घर से बाहर जाकर जो गेम खेलते हैं उनको हम आउटडोर गेम्स कहते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी आर द आउटडोर गेम्स, यानी ये जो गेम है ये आउटडोर गेम्स कहलाते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, विच आउटडोर गेम डू यू लाइक मोस्ट, तो सभी को अधिकतर क्रिकेट ही पसंद है तो मैंने यहाँ क्रिकेट लिखा है। अब राइट डाउन द नेम एनी टू प्लेयर्स ऑफ योर फेवरेट गेम, यानी आपका जो फेवरेट गेम है वो है क्रिकेट, और क्रिकेट के जो दो फेमस प्लेयर है जिनको आप पसंद करते हैं उनका नाम लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी का नाम लिखा है। अब एक्सरसाइज का आता है, गेम्स तो हो गए, गेम्स जो आउटडोर इंडोर गेम्स है, अब एक्सरसाइज के बारे में इसमें बताया गया है। एक्सरसाइज एंड गेम्स मेक द बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, यानी हम जो डेली एक्सरसाइज करते हैं, गेम्स खेलते हैं तो हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग बनती है, ताकत आती है और हेल्दी भी हम रहते हैं। आफ्टर प्लेइंग वी फील हंग्री, जब हम खेलते हैं एक्सरसाइज करते हैं तो हमें भूख भी लगती है। एनी गुड एक्सरसाइज ब्रिंग यू ए साउंड स्लीप, यानी जो भी आप अच्छी एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद आपको एकदम आराम से नींद भी अच्छी आती है। एक्सरसाइज एंड प्लेइंग गेम्स विल गिव यू गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस, एक्सरसाइज और जो गेम्स हम खेलते हैं वो आपको अच्छी ताकत देती है और आप हमेशा खुश रहते हैं, उससे हैप्पी आपको खुशी भी मिलती है गेम्स खेलने से और एक्सरसाइज करने से। चिल्ड्रन कैन गो टू द पार्क्स, दे कैन इंजॉय अ मैरी गो राउंड, स्विंग्स, सी सॉस एंड स्लाइड्स इन द पार्क। एक्सरसाइज तो बड़ों के लिए है लेकिन बच्चे भी कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो अधिकतर पार्क में जाना पसंद करते हैं, पार्क में जा उसके उनको अच्छा लगता है और वहाँ पर वो मैरी गो राउंड, स्विंग्स, झूले होते हैं, मैरी गो राउंड भी एक झूले का ही नाम है, सीसा और स्लाइड, इन पर खेलना पसंद करते हैं और इनको इंजॉय करते हैं पार्क में जाने पर। इफ़ देयर इज़ ए ज़ू इन योर सिटी यू कैन गो टू द ज़ू विद योर पेरेंट्स, यानी आपके शहर में अगर चिड़ियाघर है तो आप अपने मम्मी पापा के साथ वहाँ पर जा सकते हैं। इट इज़ फन टू वॉच द एनिमल्स एंड बर्ड्स, तो ये भी यहाँ पर भी जाने से एक मनोरंजन होता है हमारा, तरह तरह के हमको एनिमल्स दिखते हैं वहाँ पर, बर्ड्स दिखती हैं तो उनको देखकर भी हम खुश रहते हैं और हमारा मनोरंजन होता है, तो ज़ू में भी हम जा सकते हैं। Have you ever visited a zoo? यानी आपने कभी zoo गए हैं, आप कभी कभी zoo का विजिट किया है, तो यहाँ पर yes लिखा है मैंने, सभी अधिकतर गए ही होंगे zoo में, तो yes। अभी आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है, एक्सरसाइज, प्लेइंग और इंडोर गेम और आउटडोर गेम्स के बारे में हमें बताया गया है, आप इसको अच्छे से लर्न करना। अब है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, महत्वपूर्ण बिंदु। वी नीड टू हैव फन, दिस इज कॉल्ड रिक्रिएशन, यानी हमें थोड़ी फन की ज़रूरत होती है, मनोरंजन की और आराम की जब ज़रूरत होती है इंजॉय के लिए, तो ये जो हम मनोरंजन हमारा करते हैं तो यही दिस इज कॉल्ड रिक्रिएशन कहलाता है। अलग अलग तरीके से हम किस तरह हमारा टाइम स्पेंड करते हैं वो रिक्रिएशन कहलाता है। अवर रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ आर म्यूज़िक प्रोग्राम्स, फेयर्स एंड पपेट
शोज़, यानी हमारा जो मनोरंजन का, हमारी जो अलग अलग एक्टिविटीज़ है मनोरंजन की, वो प्लेइंग, एक्सरसाइज, लिसन टू म्यूज़िक, ये सब तो है, रीडिंग बुक्स। इसके अलावा म्यूज़िक प्रोग्राम भी है, वहाँ पे भी हम मनोरंजन कर सकते हैं। हमारा मेले में जाकर, मेला या प्रदर्शनी जो लगती है जिसमें हम जाते हैं, झूला झूलते हैं, तो वहाँ जाने से भी हमारा मनोरंजन होता है। और कठपुतली शो, कठपुतली का जो प्रोग्राम देखते हैं हम, उससे भी हमारा मनोरंजन होता है। पीपल गो टू द जू एंड पिकनिक्स टू हैव फन। कुछ लोग चिड़ियाघर जाते हैं, कुछ लोग पिकनिक पर जाते हैं पार्क में, रिजॉर्ट में, तो वहाँ पर जाने से भी उनका मनोरंजन होता है। तो इस तरह इस चैप्टर में बताया गया है कि जब हम वर्क कर लेते हैं, थक जाते हैं, तो हमें थोड़ा मनोरंजन करने के लिए बाहर जाना चाहिए, या घर पर ही हमें कुछ दूसरा वर्क करके हमारा टाइम पास करना चाहिए। अभी क्वेश्चन आंसर है, व्हाट इज़ रिक्रिएशन। तो रिक्रिएशन, इसका आंसर आपको यहाँ पर चैप्टर जहाँ स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे टिक लगाना है, तो आपको ये इसका आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट नंबर लिखा है मैंने, और ए, व्हेन वी वर्क अवर स्टडी हार्ड वी नीड रेस्ट, वी ऑल्सो नीड टू हैव फन, दिस इज कॉल्ड रिक्रिएशन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको टिक लगाना है, ये फर्स्ट का आंसर है। नेम टू आउटडोर गेम्स, क्रिकेट, फुटबॉल। नेम टू इंडोर गेम्स, लूडो, कैरम। वॉट अदर फैसिलिटीज फॉर रिक्रिएशन आर देयर इन योर नेबरहुड, यानी आपके पड़ोस में और कौन कौन सी फैसिलिटी है जहाँ पर आप जा सकते हैं। तो पार्क है, जू है, सिनेमा है, ये सब चीज़ें हमारी मनोरंजन के लिए हमारे पास में, पड़ोस में है। ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको नोटबुक में, क्वेश्चन आंसर और ट्रू फॉल्स। यहाँ पर आया है थिंग्स टू डू, कलेक्ट द पिक्चर ऑफ योर फेवरेट गेम एंड पेस्ट इन योर स्क्रैप बुक। ये आपके काम का नहीं है, ठीक है, आप अपने गेम्स के लिए फेवरेट गेम जो आप उनको याद रखिए कि ये हमारा फेवरेट गेम है। तो आज का चैप्टर ये कंप्लीट हुआ है। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।